साड़ियाँ बदलने से बजट अच्छा पेश नहीं होता। बजट जो है केंद्र का, ये सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है। कल का बजट पेश हुआ, आज भी महिलाओं को निराशा ही हाथ लगी है। जोड़ने वाला बजट है, किसान विरोधी है। आम बजट, उम्मीदों का बजट। जी हाँ, बजट 2021 आ गया है। इसे आत्मनिर्भर बजट बताया जा रहा है, लेकिन आखिरकार जनता क्या सोचती है, क्या कहती है इस बजट के बारे में, ये बात आपको बताएंगे। लेकिन बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया है। उन्होंने बजट को पेश करते हुए कहा कि संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने, देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, कृषि उत्पादों के बाजार की मजबूती के लिए ही ये बजट बनाया गया है। आपको बता दें इस साल बजट का विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का है और बजट में आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। लेकिन आखिरकार ये बजट आम जनता को कितना पसंद आया और आखिरकार क्या कहते हैं राजनीतिक दलों के लोग इस बजट के बारे में, बात प्रदेश की राजधानी देहरादून की करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस आम बजट पर क्या कहना है लोगों का। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का आम बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें 22,000 करोड़ उत्तराखंड को सौगात के तौर पर दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि भाजपा इस बजट को जरूर अपने लिए ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन इस पर आम जनता की क्या राय है और विपक्ष इस बजट को किस रूप में लेता है, इस पर भी हम जरूर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। केंद्र का आम बजट कल पास हुआ है, पारित हुआ है, किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के लिहाज से बजट? देखो, ये बजट जो है केंद्र का, ये सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है। जहाँ तक अगर हम गत वर्षों की बात करें तो गत वर्ष जो है 5-6 लाख करोड़ की कमी के बावजूद, कोरोना काल होने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त राशन देना, मुफ्त गैस सिलेंडर देना, महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह देना, उसके बावजूद भी संतुलित बजट है। देखिए, उत्तराखंड के लिए जैसी इसकी भौगोलिक स्थिति है, इसमें आम बजट बिल्कुल निराशाजनक है और इसमें उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं दिया गया है। देखिए, जो इस बार बजट आया है कल, बिल्कुल निराशाजनक बजट है। इसमें ना तो युवाओं के रोज़गार के ऊपर बात हुई है, और दिल्ली में जैसे किसान आंदोलनरत है 2 से 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, तो उस बजट में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार बिल्कुल फेल है। जिस प्रकार से महंगाई के ऊपर भी इन्होंने कोई आम बजट के ऊपर बात नहीं की, महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल के आप आम दाम देख लीजिए, पेट्रोल के देख लीजिए, एक बराबर रेट है। नहीं तो 2014 से पहले 15-15, 20-20 रुपये का अंतर हुआ करता है इन दोनों चीज़ों में, पर आम बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा है, बिल्कुल फेल रहा है। सर, जैसे साड़ियाँ बदलने से बजट अच्छा पेश नहीं होता, जैसे हमारी मैडम साड़ियाँ बदल के बजट पेश कर रही है, उस हिसाब से बजट अच्छा नहीं, यहाँ की जनता के लिए बिल्कुल ही निराशाजनक ये बजट रहा है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में कोरोना की कितनी मार पड़ी, पर फिर भी उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा इन्होंने बड़ा वो नहीं दिया जिससे उत्तराखंड में विकास की दर बढ़ सके। देखिए, हर बार बजट पेश करती हैं सीतारमण जी, और महिलाओं को बहुत आशा रहती है उनसे कि वो महिलाओं के लिए शायद बजट बहुत अच्छा पेश करेंगी, पर बार बार महिलाओं को तो निराशा ही हाथ लगती है। और आज भी जो कल का बजट पेश हुआ, आज भी महिलाओं को निराशा ही हाथ लगी है। महंगाई चरम सीमा पर है। बात तो तब थी सीतारमण जी, अगर गैस के दाम कम करती, रसोई के जितने भी हमारी खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम कम करती, या जो शिक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने बजट पेश किया उसके लिए कुछ काम करती, स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करती। केवल लोक लुभावने, क्योंकि चुनावी साल है, कई राज्यों में चुनावी हैं, तो उसको लोक लुभावने स्वप्न दिखाने की जो कोशिश की गई है वो निराशाजनक है। जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब हो रही थी, और उसमें इस तरह का इतना इन्वेस्टमेंट करना, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे। बजट भैया बिल्कुल निराशाजनक रहा, ठीक है ना, आम आदमी को मार है, फिर पेट्रोल डीजल में सेस की मार है, मोबाइल्स महंगे हैं, टैक्स में कोई रिबेट नहीं है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है ना, महंगाई बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। क्या सैनिकों का फंड बढ़ा दिया, उधर आपका ये कर दिया, स्टूडेंट एजुकेशन में कर दिया, वो तो हर बार ही बढ़ता है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं रहता है। घोर निराशाजनक वाला बजट है। वैसे तो ये सरकार बहुत सारी चीज़ें पूर्व में बेच चुकी है, और बाकी जो रही सही कसर है उसको भी बेचने पर आमादा है। किसान विरोधी है, नौजवान साथियों के विरोधी ये बजट है, महंगाई अपने चरम पर है, उसको रोकने के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि जो बजट है उसमें और महंगाई
जो है बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए उस परिप्रेक्ष्य में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है। ग्रीन बोनस की बात हो रही थी, लेकिन ग्रीन बोनस से भी जो है उत्तराखंड को महरूम रखने का काम इस बजट में हुआ है। देखिए, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसमें कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है और न बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था है, न महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है, न आम आदमी के लिए इसमें कोई ऐसा रिलीफ दिया गया है जिससे आम आदमी महसूस कर सके कि इस बजट से उसको कुछ मदद मिली है। और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और एक नया इन्होंने एक ये बढ़ाया है कि सेस भी लगाएंगे। सेस के लगाने से सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। आज ही कॉमर्शियल सिलेंडर 190 रुपये बढ़ गया है और शेयर मार्केट जो आर्टिफिशियल है कुछ दिनों में दिखाई देगा आपको कि शेयर मार्केट भी धड़ाम से नीचे जाएगा। और इन्होंने रक्षा बजट जो था, जो 3% होना चाहिए था, उन्होंने उसको और घटा के 1.68 कर दिया। इसी तरीके स्वास्थ्य जो है उसका बजट जीडीपी का उसका होना चाहिए 3-4%, वो भी कम बजट रखा है और कहते हैं कि हम जो है हर क्षेत्र में विकास के लिए नया बजट रख रहे हैं। देखिए, कल भी एक बात पुनः जगजाहिर हुई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जितने भी सरकारी संसाधन हैं उनका पूर्ण रूप से निजीकरण करने का काम कर रही है। सुना ऐसा जा रहा है कि LIC भी अब निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट कहूँगा, क्योंकि आज भी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक मूलभूत चीज़ें हैं, उन पर कोई काम नहीं किया गया है। ना ही जो व्यक्ति मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट कहूँगा मैं। बिल्कुल ही निराशाजनक है, खोखला बजट है। उत्तराखंड को क्या मिला केंद्र के बजट से? आपने अपेक्षाएं बहुत रखी थी उत्तराखंड की जनता ने, क्योंकि यहाँ प्रचंड बहुमत दिया था, भूतो ना भविष्यति, 57 का प्रचंड बहुमत डबल इंजन की सरकार दी थी। इससे ज़्यादा मुफीद समय कब था ग्रीन बोनस मिलने का? इससे ज़्यादा सही समय या समीकरण कब बैठता विशेष आर्थिक पैकेज देने का? पर्यावरण संरक्षण में जो भूमिका उत्तराखंड निभाता है उसके बदले उसको मुआवजा कब मिलेगा आखिर? तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता से ज़्यादा बड़ा झटका उत्तराखंड सरकार को लगा है, क्योंकि सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं। उसने 15 सूत्री अपनी मांगे भेजी थी केंद्र सरकार को, एक प्रस्ताव बनाकर, उसमें से एक पर भी तवज्जो केंद्र सरकार ने नहीं दी। नहीं, उत्तराखंड के लिहाज से ये बजट बहुत ही उपयोगी लाभदायक है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जहां 27,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उत्तराखंड को मिलने जा रही है, वहीं जो पूरे देश भर में चलने वाली स्कीमें हैं, ये पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर संकल्प की ओर बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट जो है किसानों के लिए समर्पित बजट है। यह एक जोड़ने वाला बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि यह देश की प्रगति के लिए बहुत ऐतिहासिक और प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत ऐतिहासिक साबित होने वाला है। कल का जो उत्तराखंड के लिए जो बजट की व्यवस्था थी, वो पहाड़ी और देहाती क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुधार के कई आयाम बजट में जुड़े हैं। और बजट में सारे वर्गों का ध्यान रखा गया है, विशेषकर जिस महामारी से पूरा देश जूझ रहा था उससे उभरने का भी प्रयास किया गया है। और विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही सराहनीय काम कल भारत सरकार ने इस बजट में रखा है। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड को मिले 27,000 करोड़ के इस बजट पर कहीं ना कहीं भाजपा इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर सीधे तौर पर निशाना साध रहा है कि उत्तराखंड के लिहाज से ये बजट बेहद ही कमजोर है। हालांकि हमने लोगों से भी जाना है, लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार इस बजट में बातें कही गई हैं, अगर वो धरातल पर उतरती हैं तो वाकई ये बजट कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि अगर बेरोजगारी या फिर महंगाई पर अगर वाकई सरकार अगर कम कर दी तो कहीं ना कहीं और भी फायदेमंद जरूर यह बजट रह सकता था। संदीप नेगी, जय भारत TV, देहरादून।